वह दुनिया के साथ खास बात की है स्वाति सिंह जी ने, जो सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट तो मिल गया, लेकिन ये केवल राजनीतिक लड़ाई है या कहीं ना कहीं जो पूरा विवाद हुआ था उसका प्रतिशोध भी इसमें शामिल है? देखिए, ये महिलाओं की लड़ाई, प्रतिशोध की लड़ाई नहीं। मैंने जो लड़ाई की थी, मुझे ऑब्जेक्शन भी लगा, इसलिए मैंने उस लड़ाई की शुरुआत की। आपने देखा होगा किस तरीके से पूरे देश ने मेरा सपोर्ट किया, पूरे देश की जनता ने मेरा सपोर्ट किया। तो क्योंकि हर किसी ने अपने आप को उस लड़ाई को अपने आप से कनेक्ट किया, हर किसी के घर में एक महिला होती है, जरूरी था कि उन लोगों को रोका जाए वहाँ पर, नहीं तो आए भी वो आम महिलाओं को, आम बच्चियों को पार्टी ने मेरी लड़ाई को एक्नॉलेज किया, क्योंकि जो लड़ाई मैंने शुरू की थी वो महिला के मान सम्मान के लिए थी। और उस जो आज समस्या है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तो जरूरी था कि महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़ने के लिए कोई आगे आए। मैं आगे आई और मुझे पार्टी ने मेरी लड़ाई को एक्नॉलेज करके मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं पॉलिटिकली स्ट्रांग होकर के तब मैं अपनी बात को रखूं, महिलाओं की बात को रखूं। तो इसके लिए मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन लोगों ने मुझे एक मौका दिया। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है और लगातार हमको बलात्कार की, शोषण की घटनाएं सामने आती दिखती हैं। आपको लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है इसमें? बिल्कुल बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि इस बार परिवर्तन होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बनने जा रही है, निश्चित तौर पर मैं ये कह रही हूँ कि परिवर्तन आएगा। इसी प्रदेश में जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और अपने घर से बाहर बहुत आराम से निकल सकती है। आप कह रही हैं कि सरकार बनने जा रही है, लेकिन चुनौती तो कठिन है। सपा का और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसकी चुनौती है, इसके साथ ही साथ चुनौती है बहुजन समाजवादी पार्टी के भी वोट जो मुसलमानों के उनको मिलते हुए बताए जा रहे हैं, और इसके अलावा रालोद को जो वोट मिल रहे हैं। तो लगता है कि भाजपा कोई करिश्मा कर पाएगी इस सबके बीच? बिल्कुल करिश्मा होने जा रहा है। और मैं चुनौती कैसी है, अगर चुनौती में बात करूं सपा की और कांग्रेस की, अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंट थे सपा के मुख्यमंत्री की, तो उन्हें अलायंस करने की जरूरत नहीं थी। मायावती भी इतने ही कॉन्फिडेंट थी, तो उन्होंने गुंडों से क्यों अलायंस कर लिया। इसलिए कोई चुनौती नहीं है हम लोगों के सामने, सरकार तो बनी रही है। स्वाति जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में राम मंदिर और हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहा, एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोटों का लामबंदीकरण बड़ी चुनौती बन रहा है, मुसलमान वोट जो है एक बड़ा फैक्टर बन गया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आपको क्या लगता है? मुझे बड़ा दुख होता है कि इस हिंदुस्तान में लोग अपने आप को हिंदुस्तानी ना बोल करके हिंदू और मुस्लिम में बांटते हैं। कहीं ना कहीं जो विपक्षी वो खुद इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं, खुद इस तरह के सांप्रदायिक बातों को करके और सांप्रदायिक चीजों को बढ़ावा देते हैं, और उसका जो इसकी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर डालते हैं। स्वाति जी, आपने प्रचार के भी बड़े अनोखे तरीके अपनाए हैं, स्कूटी पर भी घूमती हैं, हेलमेट लगाकर कार्यकर्ताओं के बीच लगातार जाती हैं, क्या आपको लगता है इसका कोई लाभ मिलता हुआ दिख रहा है? मैं लाभ लेने के लिए नहीं जाती हूँ, मैं स्कूटी पर इसलिए जाती हूँ कि गांव के बाहर गलियों में घुस सकती हूँ, इसलिए मैं स्कूटी से जाती हूँ, हर किसी से मैं मिल सकती हूँ कम समय में, क्योंकि समय भी कम मिला है, कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करती हूँ। सरोजनी नगर को लेकर आपकी क्या रणनीति है? बहुत कठिन सीट मानी जा रही है, आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी की राह। देखिए, सरोजनी नगर की सीट जब होगी कठिन तब होगी, जिस तरीके से जनता का सहयोग मुझे मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरोजनी नगर की सीट सिर्फ एक स्वाति सिंह नहीं लड़ रही है, यहाँ लाखों लोग स्वाति सिंह बनकर इस सीट को लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जिस तरीके से लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये धीरे धीरे आसान हो गया है। दयाशंकर जी का क्या कहना है इसमें, आप जो नेता बन गई हैं उनसे ज्यादा आपकी चर्चा होने लगी देश में, लोग आपका इंटरव्यू लेने के लिए आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अभी आपने एक दूरदर्शन को इंटरव्यू दिया, इसके अलावा भी लगातार सारे टीवी चैनल और अखबार कम से कम आपको तो कवरेज दे ही रहे हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं दयाशंकर जी से ज्यादा चर्चा आपकी होने लग गई है? देखिए, चर्चा होना नहीं होना वो सेकेंडरी है, ठीक है, चुनाव में मुझे टिकट मिला है इसलिए शायद इसकी चर्चा हो रही है, और दयाशंकर जी का एज अ हस्बैंड पूरा सपोर्ट है, एज अ भाजपा कार्यकर्ता भी पूरा सपोर्ट है। बताते हैं आपकी लव मैरिज है? नहीं, मेरी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। तो क्या बताएंगे कुछ आपके दयाशंकर जी के बारे में, और कैसे आप पहले कॉलेज में भी रही शायद फिर आप हाउसवाइफ बन गई? मैं, हाँ, पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरा बेटा, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैंने अपना LLM कर लिया था, उसके बाद मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी थी और बच्चों को भी देखना था, इसलिए मैंने जॉब को छोड़ी, और चूंकि बच्चे बहुत छोटे थे तो ये था कि थोड़ा ब्रेक लेकर फिर मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूँगी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं इसी बच्चों को देखने में इन्वॉल्व हो गई। अब मैं कुछ अपना काम करने वाली थी, वुमेन एम्पावरमेंट में मुझे कुछ काम करना था, उसके लिए मैंने अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए थे, लेकिन पूरा पूरा जो बसपा कांड हुआ उससे पूरा पूरा एक दिशा बदल गई। पति जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आपके जो तल्ख तेवर अचानक देखने को मिले दयाशंकर जी वाले विवाद में, ये अंदर से कोई शक्ति जागी या आपका दरअसल ऐसा ही
शुरू से रुक रहा है। देखिए कोई भी किसी माँ को अगर किसी बच्चे को अगर बोलेगा तो उसकी माँ इसी तरीके से सामने आएगी, और ये जरूरी भी है कि हर माँ अगर उसके बच्चे पर कोई उंगली उठाए तो जरूर सामने आना चाहिए अगर उसके बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि अगर हम नहीं उसके लिए ढाल बनेंगे तो कोई और नहीं कर सकता। हम उम्मीद करते हैं कि जो तेवर आपने दिखाए हैं, जिस तरीके से एकदम सक्रिय राजनीति में आप आई हैं, अपने परिवार को कम वक्त देकर राजनीति के लिए समय दे रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय राजनीति को महिला नेत्रियों का एक नया विमर्श मिले। बहुत सारी महिलाएं भी इस वक्त हैं, अपर्णा जी भी हैं, अदिति सिंह भी लड़ रही हैं, अनिता श्रीवास्तव भी लड़ रही हैं। आपको लगता है कि महिलाओं को आगे राजनीति में और बेहतर मुकाम हासिल होगा? बिल्कुल, मुझे तो लगता है आना चाहिए, पढ़ी लिखी महिलाओं को जरूर इसमें आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं पुरुष नहीं कर सकते उतने अच्छी तरीके से, पुरुष नहीं कर सकते। नतीजे क्या होंगे ये तो 11 मार्च को पता लगेगा। फिलहाल हम स्वाति जी को शुभकामनाएं ही दे सकते हैं और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद दे सकते हैं।